अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो करेंसी में आपने एंट्री कर ली, अब क्रिप्टो करेंसी में किस किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं, इस हवाले से मैंने एक वीडियो तरतीब दी है जिसमें 5 मुख्तलिफ तरीक़ों को मैंने बयान किया कि आप किस किस तरीके से क्रिप्टो इंडस्ट्री से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के ऊपर और इस साइड पे और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, आपने उस वीडियो को लाजमी देखा। अच्छा, उन 5 तरीकों में से एक तरीका है ट्रेडिंग का, कि आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करके भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर हम बाइनांस पर ट्रेडिंग की बात करें तो बाइनांस अपने यूज़र को 3 किस्म की ट्रेडिंग के लिए फैसिलिटेट करता है। एक को मार्जिन ट्रेडिंग बोलते हैं, दूसरा स्पॉट ट्रेडिंग होती है, और तीसरा फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। अब सबसे पहले ये फ्यूचर और मार्जिन ट्रेडिंग तकरीबन एक जैसी है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्पॉट ट्रेडिंग को बोलते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग का क्या मतलब है कि आपके पास जितने पैसे हैं, फर्ज कर लें आपके पास $100 है, आपने $100 दे के BTC बाय किया है, तो जितने आपने डॉलर का बाय करना है उतने ही आपको अगर कॉइन्स मिल जाते हैं, या इसी तरह अगर आपके पास कॉइन है आप उसके डॉलर में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जितना आप कॉइन देते हैं उतनी ही वैल्यू के अगर आपको डॉलर मिल जाते हैं तो इसको स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं। यानी जितने आपके पास पैसे हैं उतने ही पैसों की अगर आप लेन देन करते हैं तो वो स्पॉट ट्रेडिंग कहलाती है। दूसरी साइड पे अगर हम मार्जिन ट्रेडिंग की बात करें या फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करें तो उसमें जितनी भी आपकी एक्सचेंजेस क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, जैसे कि बाइनांस को हम मौजू बना रहे हैं, तो बाइनांस आपको ट्रेडिंग के लिए लेवरेज देता है। अक्सर आपने बाइनांस के जो पेयर्स हैं उनके साथ 2x, 5x, 3x और 10x लिखा देखा होगा। उसका मतलब यह है कि अगर वो पेयर आप बाइनांस के ऊपर मार्जिन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं तो बाइनांस आपको उतने गुना ज़्यादा लेवरेज दे देगा। लेवरेज का दोबारा मैं बता दूं कि जितनी आपकी इक्विटी है, जैसे $100 आपके पास पड़ा हुआ है और अगर आपको बाइनांस उसके ऊपर 2x यानी लेवरेज दे रहा है, इसका मतलब यह है कि $100 आपके पास है, $100 आपको बाइनांस फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा ताकि आप ट्रेडिंग कर लें। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही नहीं है, उस पर बाइनांस को भी बेनिफिट है। अब यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग का फ़र्क भी वाजह हो जाता है। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक्चुअली बाइनांस से जो लेवरेज है वो लेवरेज की रकम बाय करते हैं, बारो करते हैं। बारो का मतलब यह है कि आप उधार के तौर पे लेते हैं। और अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग में ही रहते हैं तो मार्जिन ट्रेडिंग में बाइनांस हर घंटे में आपको कुछ परसेंटेज चार्ज करता है। यानी आपने $100 के बदले अगर $100 लेवरेज लिया है तो उस लेवरेज के ऊपर हर घंटे बाइनांस आपको कुछ परसेंटेज चार्ज करता रहेगा, चाहे आप वो बैलेंस यूज़ करें या ना करें, $100 आपको उसके ऊपर आपको लेवरेज या इंटरेस्ट या सूद आपको देना ही पड़ेगा। फ्यूचर ट्रेडिंग में यह है कि आपने ख़ास पीरियड के लिए, वैसे उनकी परपेचुअल ट्रेडिंग भी है फ्यूचर ट्रेडिंग, उसका मतलब यह है कि जब आपका दिल करे आप वो ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। वैसे फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने एक ख़ास वक्त के लिए लेवरेज लेके अपनी इक्विटी के ऊपर ट्रेड लगानी होती है कि ये ट्रेड यहाँ अप जाएगी, ये वैल्यू, ये क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू यहाँ अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो जो भी जिस फेवर में भी आप लगाते हैं अपनी ट्रेड को, अगर ट्रेड आपकी फेवर में जाती है तो आपको बेनिफिट है, अगर आपकी फेवर में मार्केट नहीं जाती है तो आप बहुत जल्दी लूज़ करेंगे। अच्छा, अब आपको ये बताते हैं कि आपको स्पॉट ट्रेडिंग करनी चाहिए, मार्जिन ट्रेडिंग करनी चाहिए या फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए। मैं आपको स्पॉट ट्रेडिंग रिकमेंड करूंगा। क्यों रिकमेंड करूंगा, उसकी वजह बताता हूं। फर्ज कर लें आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके $100 की आपके पास इक्विटी है, आप $100 का BTC बाय करते हैं, जब आप बाय करते हैं उस वक्त उसकी वैल्यू है $10,000, और आप ये उम्मीद रख के बैठे हैं कि जैसे ही इसकी वैल्यू 10,000 से 11,000 या 12,000 जाएगी आप उसको BTC को बेच के तो आप अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होता, मार्केट आपके अगेंस्ट चले जाती है, ऐसे अक्सर होता है। अब अगर वो जो $100 की आपने इन्वेस्टमेंट की है, जब तक BTC 10,000 से वैल्यू उसकी डाउन होते 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 बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगी, उस वक्त तक आपका वो जो $100 की इक्विटी है वो ज़ीरो नहीं होगी, यानी आपका बैलेंस ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग बिल्कुल करेंसी एक्सचेंज की तरह, यानी एक्सचेंज मार्केट की तरह, कि आप जब ब्रोकर से लेवरेज लेते हैं तो आपकी इक्विटी के बदले आपकी रिस्क लेवल बढ़ जाता है। उसका मतलब क्या है, $100 की आपने, बिल्कुल सेम वही मिसाल, $100 की आपने मार्जिन पे या फ्यूचर पे ट्रेडिंग लगाई है और आपने 2x यानी 2 टाइम लेवरेज लिया है, $100 का आपकी इक्विटी है, $100 आपको बाइनांस ने दिया है, अब आपकी जो रिस्क लेवल है वो 50% हो गया। उसका मतलब ये है अगर वैल्यू 10,000 की बजाय 5,000 पे भी आ जाएगी तो आपका जो जो इक्विटी पड़ी हुई है $100, वो बाइनांस आपके इक्विटी को बेच के अपने $100 बचा लेगा। यानी बाइनांस अपना नुकसान नहीं करेगा,
बायनांस जो यूज़र है, अगर मार्केट उसके अगेंस्ट चले जाती है तो यूज़र के जैसे ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं, बायनांस या कोई भी एक्सचेंज जो है वो अपने उस यूज़र की ट्रेड को क्लोज करके उसके सारे पैसे हड़प कर लेती है और अपने पैसे निकाल के तो वो सेव अपने आप को महफूज कर लेती है। और इस दौरान जितना टैक्स ये इंटरेस्ट सूद वगैरह वो भी बायनांस और एक्सचेंज वगैरह चार्ज करते हैं। तो मैं तो आपको कतन ना आपको मार्जिन ट्रेडिंग करूँगा कहूँगा, ना आपको मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्जिन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग अगर इतनी ख़तरनाक और रिस्की है तो ये बायनांस उसको ऑफ़र क्यों करवा रहा है और दुनिया क्यों ट्रेडिंग कर रही है। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी गुड लक हो, मार्केट आपके गैस किए हुई और आपकी फेवर में जाए तो आपका प्रॉफिट भी कई गुना हो जाता है। वो कैसे होता है, फर्ज कर ले आपने $100 का लेवरेज लिया, $100 आपका हुआ और जैसे ही आपने BTC बाय किया 10,000 रुपये, जैसे ही वो 15,000 रुपये पे चला गया तो अब आपका जितनी इक्विटी यानी $100 आपने इन्वेस्ट किया था, $100 लेवरेज मिला, $50 प्रॉफिट तो आपको उस पर मिल गया जो आपने इक्विटी की थी और $50 उस पर जिस पर आपने लेवरेज लिया हुआ था यानी जो आपको उधार मिलेगा। तो जैसे ही आपको बेनिफिट आया आपने कैश आउट करवाया, तो अगर आप स्पॉट पे होते तो आपको सिर्फ $50 का बेनिफिट होना था, लेकिन चूंकि अब आप मार्जिन में हैं और आपने टू टाइम लेवरेज लिया है, अगर आपने 10 टाइम लेवरेज लिया है तो उसका उतने ज़्यादा बेनिफिट है लेकिन उतना ही ज़्यादा रिस्क लेवल भी कम हो जाना। तो जो मार्जिन या फ्यूचर ट्रेडिंग है क्रिप्टो में, उसका मकसद ये होता है कि आप और पैसे डाल के उधार में ले के उसकी आप ट्रेड लगाएं और अगर मार्केट आपके फेवर में जाती है और जितने गुना आपने लेवरेज लिया होगा उतने गुना आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ प्रॉफिट नहीं बढ़ता, इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही उसकी वजाहत कर दी है। तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी ट्रेडिंग से मुतल्लिक, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर, मार्जिन। अब आपने फैसला करना है कि आप कौन सी ट्रेड को प्रेफर करेंगे। आपने इस वीडियो के नीचे जो भी समझा है उससे रेलिवेंट वो आपने शेयर करना है कि आप कौन सी ट्रेड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपकी नज़र में कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए। और अगर कुछ इस हवाले से ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि मिस हो गई है तो वो भी आप कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करूँ। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।